Hello friends and students. Today we are discussing here in the very first class jurisprudence. From today's I am starting a new class for the law student, and the subject is jurisprudence, and the topic of the subject is meaning of the jurisprudence, nature of jurisprudence, and scope of jurisprudence. Basic thing is like, what is the first question arises when we discuss the jurisprudence, that is what is jurisprudence. Basically, you see, jurisprudence is a Latin word. It derives from Latin language, and the actual word is jurisprudentia, and it's a mix up of two words, juris and prudentia. Juris means law, and prudentia means knowledge. It means knowledge of law. Simply, it is knowledge of law. In other words, there are other things we can say about jurisprudence, that is, it is science of law. Jurisprudence is a science of law. One another thing which is said about jurisprudence, it is like in America, it is known as philosophy of law. American pupils use the knowledge and the subject of the jurisprudence as philosophy of law. They describe it like a philosophy of law. And thirdly, what is jurisprudence? That is known as historical, moral, and cultural basics of a particular legal concept. हमारे यहाँ पर और दुनिया में सभी जगह पर बहुत सारे लीगल कंसेप्ट्स होते हैं, तो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी उस मोरल क्या है, उसकी साहित्यिक उसकी जो महत्ता क्या है, और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और पर्टिकुलर्स क्या है, ये भी जुरिस्प्रूडेंस, इसको भी जुरिस्प्रूडेंस में ही कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स, दस जुरिस्प्रूडेंस सिग्निफाइज नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. जब हम जुरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, तो ये नॉलेज ऑफ लॉ और इसकी एप्लीकेशन कैसे होनी है. सिर्फ नॉलेज ऑफ लॉ से काम नहीं चलने वाला है. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जब जो लॉ बनाया गया है उसकी एप्लीकेशन कैसे होनी है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड लाइक सी, हमारे यहाँ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो वी हैड लाइक सिविल प्रोसीजर कोड एंड वी हैड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. उससे पहले हमारे यहाँ पर है इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड में ये बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई आदमी किसी क्राइम को करता है तो उसकी क्या सजा होगी. लेकिन मेन चीज है इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी. सिर्फ कानून को बना देने से काम नहीं चलता है. बेसिक बात यह है कि कानून को एप्लीकेबल कैसे करना है. वो एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, इट कम्स फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. यानी कि अगर किसी ने चोरी करी है, तो चोरी करने के बाद में क्या होगा, उसकी रिपोर्ट होगी, FIR होगी, उसकी जांच होगी, उसको पकड़ा जाएगा, कितनी देर उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, किस तरह से उसको जो है अदालत में पेश किया जाएगा, और किस तरह से और कितनी सजा होगी. ये सारी चीजें जो है वो एप्लीकेशन ऑफ लॉ के अंदर जो है ये सारी चीजें आती हैं. जुरिस्प्रूडेंस की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री सिग्निफाइज इट हैड डिफरेंट meaning at different time, so there is no particular definition. ये jurisprudence जो है basically ये एक over the period of time जो है it kept changing. वो हमेशा ये change होता रहा है. 17वीं सदी से 18वीं में, 18वीं से 19वीं, 19वीं से 20वीं में, और अब 21वीं में. तो different people had different views about the jurisprudence. They had different point of view about the jurisprudence. और उन्होंने ही उसी हिसाब से अपनी अपनी definitions दी हैं. That's why there is no particular definition for the jurisprudence. अगर इसकी हम बात करें तो like ये कब से है, history of jurisprudence की बात करें हम, तो it comes from firstly from the Greece, and see in the formative time in England it was known as like generic term.
बिल्कुल इसको सामान्य रूप से जाना जाता था. देयर वाज नो स्पेसिफिकेशंस इन ज्यूरिसप्रूडेंस एंड इट वाज जस्ट स्टडी ऑफ डिफरेंट फेसेट्स ऑफ लॉ. जो विधि थी, जो कानून था, उसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर जो है बात करना था. यही एक ज्यूरिसप्रूडेंस की बात थी अगर हम पुराने टाइम की बात करें. बट इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी के अंदर अगर हम आए तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी बेंथम ही वाज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ लॉ एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ पॉजिटिव थॉट एंड हिज पीपल ऑस्टिन. दीज टू पीपल हैड given a particular and definite definition to the jurisprudence. What they said, Bentham ne kaha ki he was of very specific view. Bentham ka kehna hai tha ki look at the law as it is, jaisa hai. And dusri taraf unka kehna tha ki and as it ought to be. जब ज्यूरिसप्रूडेंस एक्चुअल में ज्यूरिस बेंथम को ज्यूरिसप्रूडेंस का जनक भी कहा जाता है और ऑस्टिन उनके स्टूडेंट रहे हैं. ऑस्टिन ने और बेंथम ने ज्यूरिसप्रूडेंस के ऊपर इनिशियली बहुत काम किया है. बेंथम ने कहा कि जब बिकॉज बेंथम की खास बात यह थी कि ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट इन इंग्लैंड. जो कानून था उस जमाने का उसके अंदर जो रिफॉर्म्स शुरू हुए हैं वो रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये जो थ्योरी थी ये बेंथम की थी. और उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज लॉ, कैसा इट इज राइट नाउ, जो लॉ है वही लॉ है लेकिन ये कैसा होना चाहिए. तो दूसरी चीज उन्होंने कही थी और इसके लिए उन्होंने दो जो है इसको पार्ट में डिवाइड किया था दो पार्ट के अंदर. द फर्स्ट वॉज द एक्सपोजिटोरियल एंड द सेकेंड वॉज द सेंसोरियल ज्यूरिसप्रूडेंस. मैं आपको बता दूं कि नंबर वन was expositorial and the second was sensorial. ये दो थ्योरी जो है ये बेंथम ने दी थी. अभी आप इसको इतना ही समझें, इसकी हम एक्सप्लेनेशन जो है अगर नेक्स्ट चैप्टर में विल गो इन द नेक्स्ट स्टेज इन द डेफिनेशन ऑफ द ज्यूरिसप्रूडेंस वहां पे हम जो है इन दोनों टर्म को समझेंगे. लेकिन आप ये समझ लें कि जो ये एक्सपोजिटरी है और सेंसोरियल है दो जो हैं ये बेंथम ने कहा था. क्या मतलब हुआ इसका? एक्सपोजिटरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, नुमाइशी का मतलब जो दिखने वाला है, जैसा लॉ अभी दिखाई देता है एज इट इज, और दूसरा जैसा लॉ होना चाहिए वास्तव में. तो ये दो चीजें थी. तो उसके बाद में इट इज एक खास बात ये है कि इट इज वेल नोन लॉ इज ए डायनेमिक कंसेप्ट. लॉ जो है कभी भी एक जैसा नहीं रहा, समय के साथ साथ ही लॉ बदलता रहा, वक्त के साथ साथ इसके अंदर चेंजेस आए हैं. अब से अगर हम 200 साल पहले के कानून की बात करें तो कुछ और कानून था. उसके बाद देखें अब हमारे इंडिया में सती प्रथा थी, पहले औरतें जलाई जाती थी. वो एक उस वक्त में था कि जब जो है किसी खास तौर से राजस्थान के अंदर जो उस समय में जब किसी के पति का देहांत हो जाता था तो उस समय में जब उनको जलाया जाता था या उनकी अंत्येष्टि की जाती थी उस वक्त में उनके जो विधवा होती थी वो भी उनके साथ जल के मर जाती थी. लेकिन वक्त के साथ साथ ये आया कि नहीं यार ये गलत है, उसको जीने का अधिकार है. कानून बदला गया और सती प्रथा को बंद कर दिया गया. इसके बाद में अभी रिसेंट पास की अगर हम बात करें तो रिसेंट पास में हमारे यहाँ पर अगर हम आर्टिकल 377 की बात करें लॉ के अंदर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर क्या था कि 377 जो था वो एक क्राइम था. समलैंगिकता की जहाँ पे बात की जाए वो क्राइम था. लेकिन बट विद द टाइम आप जो है लोगों ने कहा नहीं यार ये इट्स अ राइट फॉर द पीपल और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया. नाउ इट्स नॉट क्राइम. इसके अलावा अगर हम थर्ड फेज में आ जाए, तीसरी बात करें, मुस्लिम समाज की बात करते हैं. मुस्लिम समाज में एक प्रथा चली आ रही थी तीन तलाक एक एडवांस. तो इसके अगेंस्ट जो है कुछ मुस्लिम महिलाओं ने ही आवाज उठाई और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा नहीं ये गलत है और उसको इलीगल
करार दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि लॉ इज एवर चेंजिंग, लॉ कभी एक जैसा नहीं रहा, वक्त के अनुसार ये बदलता रहा है, जैसी जरूरत पड़ी वैसा। और आगे और नई बात करते हैं तो पहले, अब से 30 साल पहले हमारे यहाँ पर जो आईटी फील्ड है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, ये सब फील्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अभी मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गए हैं, लोगों की जो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, दे आर यूजिंग द आईटी इंडस्ट्री और आईटी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो अभी ये महसूस किया गया, इस यूज़ के साथ में इसका मिसयूज़ भी बढ़ा है, तो ये महसूस किया गया कि नहीं, इसके मिसयूज़ को दूर करने के लिए देयर हैज़ टू बी सम चेक ऑन दीज आईटी प्रोडक्ट्स और आईटी जो भी एप्स है या उसके तहत जो है वो नियम बनाए गए। तो इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वो कभी एक जैसा नहीं रहा और इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, और ये चेंज जो है विद द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के साथ में हुआ है, सोशल ऑर्डर के साथ में होता है, बिकॉज डिफरेंट सोशल कंडीशंस, डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल विल का भी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। बदलता जब समाज बदलता है तो इसके साथ नई नई समस्याएं पैदा होती हैं और नई नई चुनौतियां पैदा होती हैं, जिनके निवारण के लिए जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ इकदाम करने पड़ते हैं, कुछ आपको उसके लिए किसी तरह का विधि जो है वो बनाई जाती है और उसकी व्याख्या भी की जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हर बार जो है नया कानून बनाएं, लेकिन क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और कानून की बात करें, तो हमारे यहाँ पर उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे स्कोप्स हैं, और वक्त के साथ साथ जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसी वैसी उसकी व्याख्या की जाती है, और ऐसा करते हुए जब उसको डिस्क्राइब किया जाएगा या उसकी कोई इंटरप्रिटेशन की जाएगी नहीं, तो ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि वो वहाँ की सामाजिक मान्यताओं के आधार पर, लगातार बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर, सामाजिक परिवेश के आधार पर ही वो प्रोडक्ट जो है किया जाए। और इससे जो है इसका जो ज्यूरिसप्रूडेंस का स्कोप की अगर हम बात करें, तो इसका स्कोप एज ए साइंस ऑफ लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जहाँ स्कोप की भी बात आती है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ज्यूरिसप्रूडेंस, ये भी एक सवाल है। तो बिकॉज इट इज कैप चेंजिंग, और उस चेंज के साथ साथ में क्या होता है कि जब आप उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो कानून देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सन 50 में लागू हुआ, सन 50 में कानून लिखा गया, लेकिन उस कानून में आज के तहत जब उसको ही अप्लाई किया जाता है, तो देयर हैज टू बी अ न्यू इंटरप्रिटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, या वो जो कार्य या एक्ट हो रहा है उस वक्त में जो है जो हुआ था वो हुआ था, लेकिन अब क्या उस एम्बिट के अंदर, उस दायरे में आ रहा नहीं आ रहा, तो देयर हैज टू बी सम एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, एंड सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम इट डज इट, एंड जैसी जरूरत पड़ती है वो अपने प्रेसिडेंट जो उनके पुराने होते हैं, उनके फैसले होते हैं, उन फैसलों को देखते हैं और फैसलों के आधार के ऊपर वो जो है उसकी इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, बस अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था कि देर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन और स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर ज्यूरिसप्रूडेंस, क्यों? बिकॉज इट कैप चेंजिंग विद द टाइम, समय के साथ साथ ये बदलता रहा, वक्त के साथ बदलता रहा है, 200 साल पहले कुछ था, 100 साल पहले कुछ था, 50 साल पहले कुछ था, तो उस टाइम के स्कॉलर्स ने इसको जैसा समझा वैसी डेफिनेशन दी, उसके बाद वालों ने इसको जैसा समझा वैसी डेफिनेशन दी, और करंट के अंदर द सिस्टम इज वेरी डिफरेंट। तो द मेन थिंग इज जस्ट इन ज्यूरिसप्रूडेंस इन इट्स जनरल टर्म एंड लिमिटेड मीन्स इट इज एलुडिसेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, इस कानून की जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर कानून बनाया जाता है उसको समझना, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ये जहां से इसकी व्युत्पत्ति हुई, जहां से शुरू हुआ, वहां पे अगर बात की जाए तो उन लोगों ने ये कहा था ज्यूरिसप्रूडेंस जो है एक ऐसा विज्ञान है जो हमें विधि का ज्ञान देता है। ज्यूरिसप्रूडेंस इज अ साइंस विच इम्पार्ट्स अस
knowledge of law. Here we study law in its abstract sense, means not in sense of concrete statute but principle underlying law. सिर्फ जो principle कानून बनाने के लिए use किए गए हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं, ना कि किसी particular statute की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर इंडिया में